अन खा के दिखा, नहीं एक सेकंड खा के दिखाओ, अन लिखा के दिखा। तो थैंक्स वाला मम्मी वाह मटा सुपर थैंक्स। तो उसको ये नहीं जानी था पैसा लुका मुई था पैसा फिर नहीं किते ये भी मैं पाए लियो सिर्फ पॉइंट लेगा अभी नहीं अभी ने ढाया आज खे के दिखो ला ये तो इसने कही कि मैं आधे रास्ते आगे तो मैंने क्या मुंह लगाना है इसको मोदी जी ने चेकअप करना था वो लोग भेजा स्टिक से खाने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हो गई है आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। धूप भी आ गई है और मेरी आंखें भी बंद होने लगी है। सुबह उठ के 6 बजे से ही हो जाता है जब से धूप आती है। तो फिर साफ सफाई हो गई है और आजकल हम लोग सुबह का ही खाना बना रहे हैं, मतलब एक ही टाइम खाना बना रहे हैं सुबह फिर से, क्योंकि छोटे दिन है तो आजकल हम लोग सीधे दाल चावल बना रहे हैं यानी भात बना रहे हैं सुबह सुबह। तो मैं सोच रही हूँ कि कल भाभी लोगों ने छाछ दी थी तो आज मैं कड़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आग में खाना बनाऊँ तो अगेठी यहाँ पे निकाल देती हूँ और आग लास्ट में जलाऊंगी जब मेरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। सब जगह आजकल यही हो रहा है कि ये देखिए प्याज को कुछ दिन अंदर रखो इस पे कलियाँ आ जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं राई के पत्तों के साथ कड़ी में ये कलियाँ भी डालूं क्योंकि इनका भी अलग स्वाद होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चाकू हमेशा खोया ही रहता है, कभी नहीं मिलता है, मतलब पूरे घर के 4 चक्कर मारने और तब चाकू मिलेगा। भाभी कुछ दिन के लिए ऋषिकेश जा रखी थी तो भाभी ने कहा था कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी, तब तक थोड़ा सा कुछ दिन राई के पत्ते निकालना सब्जी के लिए। उठ गए सब लोग। तो यहाँ पे हो रखी है भाभी लोगों की राई, मैंने कहा थोड़ा सा निकाल देती हूँ मैं। और ये मैंने लगाया था झूला यहाँ पे, ये कपड़े सुखाने के लिए हमारे यहाँ आती है क्योंकि इनके यहाँ धूप नहीं है, है ना गणेश? इनके यहाँ धूप नहीं है ना, और तुम्हारे यहाँ भी नहीं है तो इनके लिए गर्मियों में ठीक है। इनके यहाँ घर को लोग मिनी जोशीमठ बोलते हैं, इनके घर को लोग मिनी जोशीमठ कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि राई के पत्ते इतने गंदे गंदे क्यों हो रखे हैं। एक्चुअली इसमें ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए इसमें राख डालते हैं, मतलब जो भी खाद होती है तो वो डाली हुई है। तो मैं थोड़ा उधर से निकालती हूँ, वैसे ये काफी है यार मुझे कड़ी बनाना है तो उसमें डालने के लिए 2-4 ही पत्ते काफी होते हैं। सब्जी बनानी होती तो ज्यादा निकालती, लेकिन मुझे कड़ी बनानी है तो उसमें 2-4 पत्ते काफी है। काफल नहीं रे कड़ी, हाँ रोड आधी आधी करके टूट गई। हेलो क्या बोल रहे हो वहाँ लोग, क्या बिंदी? मुझे आग जलाना थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि जलती ही नहीं है। हमारे यहाँ तोर काफी ज्यादा होती है तो ये तोर की लकड़ियाँ हैं, ये इससे आग जलाने में आसानी होती है, जब ये नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती है। मनोज भेज कर आए अबे, पहले मुझे यहाँ आग जलाने में आफत आ रही है और दादी मेरे से 1000 सवाल पूछ रही है। देखिए किस तरह से बन रहा है, अभी तो मैंने इसमें पानी डाला हुआ है लेकिन कुछ टाइम बाद ये फाणा की तरह भी हो जाएगा और धेपली की तरह भी हो जाएगा। तो दादी के लिए मैंने खाना रख लिया, खुद के लिए खाना रख लिया और अब बढ़िया से धूप में खाएंगे। अरे बहुत पुरानी साड़ी से यार वो चोको तो मेनू भी नहीं मन भी सुबह बैठी दादी दादी ये मैं आज ना मैं कड़ी बनाना चाह रही थी आज, पर वो पता नहीं क्या बन गया दादी ने क्या बन गया मतलब वो कड़ी की शक्ल का था नहीं, पीले कलर का, वो कुछ और ही बन गया। दादी को पूछते कैसा बन रहा है, ठीक है बता कैसी बनी थी दाल कड़ी? बढ़िया लगी है। हाँ कड़ी खाए ना स्वाद लगी ना, तो अच्छी लग रही है। मुझे लगा दादी मेरे लिए नाम रखेगी यार कि देखो दादी, क्योंकि ना कुछ भी अगर गलत चीज होती है सीधा हंस जाती है तो इसलिए, पर वो बन गया। अरे मैंने वीडियो नहीं बनाई थे तो मोदी जी ने बोली मोदी जी ने चेकअप कराना था वो लोग भेजा दादी चेकअप करा बोला ये चेकअप करना है वो चल उधर पे आगे ना, मतलब ऐसे सर्वे होते रहते होंगे तो उधर पे सीएमओ ऑफिस से कुछ लोग आ रखे हैं, वो ऐसे चेकअप वगैरह कर रहे होंगे, कुछ सर्वे होगा स्वास्थ्य के संबंधित। तो दादी को मैं ऐसे चिढ़ा रही हूँ कि मोदी जी ने, क्योंकि जब बोलेंगे ना मोदी जी ने भेजा है वो तभी जाएगी। जल्दी आ मोदी जी ने बोले दादी चेकअप करे बल। हाँ मोदी जी ने बोले दादी चेकअप करे बल, फुल बॉडी चेकअप, खाली बोलो तो ओ मुड़ी बस। तो सर्वे करने लोग आते रहते हैं बीच बीच में गांव में, चल चेकअप करो डॉक्टर साहब चंदी को देवो मुँह डॉक्टर साहब है। हाँ जो पहले प्रणाम करो डॉक्टर साहब चंदी को दे हम या जुंग भी हुई ना ही बता, दो बहने एक भाई और मम्मी पापा। तो मोदी जी ने कहा दादी का चेकअप कराना तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आ रखे हैं दोनों। तो दादी आपका चेकअप हो रहा है, आपको लग रहा है बताओ देखिए ये कौन आया। मुर्दिया मुर्दिया रे, हाँ
माई जन कुछ दादी बनी तो हम लोग सोच रहे थे हम इसको हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इसको लेने के लिए वहाँ जाए मार्केट, लेकिन तब तक इसने कहा कि मैं आ गई तो हम लोग गए नहीं। इसलिए मैं तेरे को बोला था कि जब मार्केट आएगी तब बताना मेरे को। नहीं नहीं मैंने इसको बोला था, मैंने इसको बोला था कि मार्केट पहुंच जाएगी तो बता देना मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन तो इसने कही कि मैं आधे रास्ते आ गई, तो मैंने क्या मुंह लगाना है इसको। स्वास्थ्य विभाग सुन रहा अभी और दर्दी जाने बाद में अर्ली मॉर्निंग पर। अरे बताओ मैं वो कर यार इसके पैर देखो नहीं तीन मैं जैकेट के लिए पेज वाले जॉकेट जॉकेट सुन इसने मेरा कपड़ा नहीं पहना था दादी मेयर छो जैकेट मेयर छो मैं पर वो छो ढीलू वो जैकेट मैं पर ढीलू वो छो मैं दी नहीं पेट वो छो मैं बोल गया देखो ये टोपी भी मेयर दी दादी ये टोपी मेयर दी ये जैकेट भी मेयर दी तब मैं याद नहीं तब मेयर दी तो छोड़ दो मेरे बात मैं पेड़ तो कुछ बुर बोल गया मैं तो कमेंट करी बनी लिखी मैसेज लिखी ये बनी मेरा कपड़ा उतार पर दादी गर्मी में अपना सर्दी में कपड़ा मैं दियो दी ना क्या अब बोल दी बाद में मैं इनके कपड़ा दी अब वापिस गर्मी में दी सर्दी में कपड़ा ए जैकेट उतार जैकेट दादी मैं तो दी ना अपना कपड़ा क्या मैं पता सब कपड़ा अच्छा लगता कि लेकिन मैं अच्छी चीज ठीक है अब फिर वो मैं तो लाला चंद बोली वापस दी मेरा कपड़ा अगर ये समझ ई बात चलो ना सुंदर शरीर में अच्छा वो इनको होता क्या बैठो दादी ने परेशान कर दिया अंजलि को मैं तो ये बात बंद करो पता पूरी दुनिया में हम लोग आजकल एक एक खाना खा रहे हैं सुबह तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग स्नैक्स बनाएंगे शाम के लिए। स्नैक्स में क्या होगा हमारे यहाँ सोचिए सोचिए हम लोग बना रहे हैं माइक्रोनी और पास्ता। तो इससे पहले मैंने इससे पानी निकाल दिया इसको थोड़ा सा पका दिया है थोड़ा सा अब इसको बनाएंगे कुछ टाइम थोड़ा रुक के तो क्योंकि सुबह हम लोग टाइम से खाना खा लेते हैं क्योंकि तीन टाइम खाना नहीं होता ना पूरे दिन में तो दो ही टाइम होता है तो आजकल हम लोग यही कर रहे हैं कि शाम के टाइम पे बनाएंगे कुछ और सुबह भात खा रहे हैं टाइम से। अब आप खूब दिन आ रहे लख रहे और मैं इसको भूल गई थी कह रही जैसे मैंने सोचा ना कि मैंने कहा कि बन गया यहाँ वैसे सीधे बाहर आ गई कह रही कहाँ है भोजन अभी तक मुझे काम करते हुए इसकी याद आई नहीं मतलब बहुत दिन से ऐसा हो रहा था मैं अकेले रह गई तो अकेले सारा काम किया इसको बोल खाते वक्त मुझे आती भी नहीं है मुझे काम करते वक्त ही आती है बर्फ पड़ी क्या बर्फ पड़ी वो देखिए वो मेरे कपड़े हैं ऐसे बोल रही कि चिमोड़े पड़ रखे तेरे कपड़ों पे ऐसा क्यों सिलवट पड़े हुए हैं हाँ क्यों गर्म पानी में धोए बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म क्योंकि मैं क्योंकि आज ठंडे पानी में कपड़े धोए जाते हैं क्या कोई धो रहा है किसी का दिमाग होगा सब सब लोग आजकल ठंडे गर्म पानी से ही धो रहा है दूर तो जैसे चढ़ चढ़े पानी में चढ़ चढ़ा चढ़ चढ़ा भीग ना ढाल ये तो पहले मैगी ढाल अंदर पानी लो इधर बेटा अंदर बेटा भाग के उठ जाओ बेटा गुड गर्ल गुड गर्ल ये इन सिर फुकली में कोई काम है नहीं गुड गर्ल गुड गर्ल दो टुकड़े मान दो टुकड़े कर खाली तीन ऐसे मिलम अरे यार ज्यादा टुकड़े नहीं करने ना इधर इधर पानी में ये मैगी पक जाने ना ये भी मैं पानी लो सिर पानी डालेगा ओहो मंगल स्नान नहीं होने मिलियो आ चलो दूर तो जैसे मैं रह के बता क्या कहूँ सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं हाँ डाल अभी ना अभी ना अभी नहीं अभी ना ढाया अभी थोड़ा रुक के तेरा पकड़ दे मसाला पहले ये बार ना लास्ट में ढाल दे मसाला नहीं मसाला उड़ जाए एक वो बार ढाल दिया रुक रुक जा अंदर आज लो ये मुझे ढंग से क्या चाइनीज जन ये आज खे के दिखो ला ठीक है मेरी आज खे के दिखो ला नहीं करेंगे आज हम लोग स्टिक से खाएंगे आज हम लोग
स्टिक से खाएंगे, ठीक है, देखते हैं कि खाया जाता है कि नहीं। तब तक अंजलि को बोलूंगी मैं कि तू वो बना। मैं तो होटल में देखो सीधा एक काम कर, तू तीन चम्मच बना तब तक, नहीं तू तब तक इससे निकाल के तीन चम्मच बना, तीन चम्मच बना। देखिए जियो, जियो ने इसको गिफ्ट कर रखा है, जियो ने कहा कि तू ऐसी कमीज पहनेगी हमारा प्रचार करेगी। अच्छा नानी ने गिफ्ट करा, मुझे लगा इस पे, मुझे लगा कि जियो वाले इस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान होंगे। छी लस्ट पस्ट मत ना कर। मैंने अंजलि को कॉल किया कि वो कहाँ पर है, उसने कहा मैं दुलदेरा के पास में हूँ, मतलब वो मंदिर के पास आ गई थी। क्या? हाँ डाल दे, हाँ हाँ पकड़। ओहो तो मैंने अंजलि को बोला और उसने कहा मैं दुलदेरा पहुंच गई, तो मैंने जल्दी से वो जैकेट उतार दिया, हालांकि वो पहले मेरा ही था, वो मैंने दिया उसको, और फिर मैंने कहा वो डांटेगी, कहले पहले ही बोल रही थी। क्या? अरे हाँ मसाजा अंधार पर, तो इसलिए मैंने हाँ बचा दे। तो मैंने क्या किया, जल्दी से ये वाला पहन लिया और जल्दीबाजी में मुझे यही मिला। तो ये इसको मैं पहले पहनती थी ना, पहले लॉकडाउन के टाइम पे, आज बहुत दिन बाद निकाला मैंने इसको। आई एम सो मच गरीब। ए सुन पता क्या बिंदी, हमारे YouTube में एक सिस्टम ये भी होता है, सुपर थैंक यू जिसे कहते हैं, कि मतलब हम उसको ऑन करेंगे तो जो YouTube वाले है वो हमको पैसे भेज सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी चल रखा है। सुपर थैंक यू मतलब कि लोग हमें अगर अच्छा, कोई हमें अच्छा, मैं समझी, हाँ। थैंक्स का वो आता है ना, उस वहाँ पे एक वो बना रहता है, पैसे का निशान बना रहता है, 20 रुपए 10 रुपए का थी, 200 कम से कम 200 रुपए दे सकते हैं, 50 रुपए नहीं है, 50 नहीं जो कम से कम आप हमको 200 रुपए दे सकते हैं। मैंने वो ऑन नहीं कर रखा है अभी तक, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी, उसमें पता नहीं मेरा ईमेल वो बोल रहा था कि गलत देते हैं लोग, किसी को कोई ज्यादा ही पसंद आ जाता है तो वो उसको देते हैं, तो थैंक्स वाला मम्मी सुपर थैंक्स, तो उसमें मतलब ना हमारे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, कोई हमें 200 दे सकता है, कोई हमें 500 दे सकता है, पर मैंने वो ऑन नहीं कर रखा क्योंकि वो ऑन हो ही नहीं रहा था, और मुझे उम्मीद है कि वैसे भी कोई देगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो ऑन ही नहीं किया। अच्छा सुपर थैंक्स अंजलि नंबर दीदी अकाउंट, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें ना हमें अकाउंट नंबर नहीं डालना पड़ता है, वो हमारे यूट्यूब वाले अकाउंट में जाते हैं, मतलब जो अकाउंट हमारे बैंक में है वो सुपर थैंक्स के पैसे वहीं जाएंगे, और तब हमें हमारी पेमेंट के साथ वो पैसे आएंगे। तो अगर मतलब कोई देना चाहता है, मतलब मैंने वो ऑन नहीं कर रखा है, कोई दे भी नहीं सकता है, लेकिन अगर आप लोग बताइए कौन कौन देना चाहता है, तो मतलब मैं अपने बर्थडे के दिन ऑन करूंगी, तब मेरे को गिफ्ट दे देना, मुझे भी दे देना मतलब अगर इच्छा, हम लोग अपने बर्थडे पे ऑन करेंगे उसको, मतलब पर कम से कम 50 रुपए होना चाहिए था ना, पर उसमें कम से कम 200 रुपए है, तो 200 रुपए दे देना मेरे को, मेरे बर्थडे पे मैं ऑन करूंगी, 1 सितंबर को मेरा बर्थडे है तब देना, ठीक है। अंजलि को भी दे देना 5 रुपए, पर उसमें 200 रुपए वाला है कम से कम, हाँ डाल दे, पर उसमें कितने का है यार, अगर कोई नहीं, ये सुपर थैंक्स का मतलब समझ गए ना आप, एक तो मेरे को बोलने नहीं दे रही यार, ये मैं तो कुछ नहीं बुन दी हनुमान यार, क्योंकि लोग देते हैं यार बहुत सारे लोगों को छक्की पैसा से पर दी दे, सुन थोड़ी अखन पाइंड आए था लोग देते हैं, मैं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे दो, पर मतलब लोग देते हैं यार किसी को, क्यों छिलवाओगे यार, लोग देते हैं ना, देते हैं लोग, पर ये बोर्ड मेरे को नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वो ऑन नहीं करा सिस्टम, पर आप समझ गए ना उसका मतलब क्या है, सुपर थैंक्स मतलब ये मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं हो रहे दिन समझो लो भाई हनुमान देवता का समय बो नहीं सकते, बतो बतो ना हाल यार सूख कुछ यार ना सूख हुई बहुत, पर मन प्लेट नहीं यार, प्लेट से जो उठवेगा मांडा दाते यार, यही मैं खोला हम तीन का दिन, क्या ये क्या ये इतना बड़ो इतना मोटो इतना मोटा ये पागल है, ये देखो इतना इतना मोटा लेके आइए, इससे कैसे खाएंगे, पतले पतले होते हैं वो वाले, दो तीन प्लेट लेके आ पर। आज हम लोग इससे खाने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं चॉपस्टिक से खाने वाले हैं हम लोग, ये बहुत मोटा लेके आइए, इससे खाया जाएगा, टेलीविजन भी मैटर किसको मुझे, हाँ तभी तो मुझे बोल रहे तेरे को टीवी की बीमारी तो नहीं है, कहाँ से देख के लग रहा है मेरे को टीवी है, इसने बोला मेरे को नहीं नहीं ज्यादा, मैं तो कम कम दिया हूँ, मैं ज्यादा भूख भी नहीं, अब चल इमाइफू की हाथ यार, रुक जा रुक जा, अच्छा नहीं रुक जा रुक जा, सुन एक काम कर अंत खा के दिखा, नहीं एक सेकंड खा के दिखाओ, अंजलि खा के दिखा,
तू खा के दिखा मीए को ढाले में लाकड़ा अन मीए को ढाले में लाकड़ा अरे वो मांगी चे यार तेरे चुवा मैंने पकड़ लिया लकड़ियां चॉपस्टिक नीरे बस है ना अरे वे बदतमीजी पे पहले मैं चाइना रहती थी चाइना फिर मैंने वहां पे सीखा हुआ है इनको तो मैंने सीखा है पहले मैं चाइना रहती थी चाइना फिर मैंने इनको सिखाया खाना हो गया देखो कहाँ गई चॉपस्टिक देखो मैं फिर से आ गया अपने उससे खाने में बहुत टफ हुआ था इसलिए मैं खा रही हूँ अरे ओ भ्राता श्री कैसे हो गडरा तक लिफ्ट मिल सकती है गडरा तक चलो चलो खुनोनी आ रही हो अरे तो यहाँ पे हमारे भ्राता श्री मिल गए हैं तो वो जा रहे हैं गडरा तक गडरा से ऊपर जा रहे हैं गडरा तक बिल्कुल नहीं सिर्फ गडरा तक सिर्फ गडरा तक तो हमको भी गडरा तक जाना है सामान लेने के लिए तो आप इस पैदल आ जाएंगे ना वरना रात हो जाएगी तो कितने बजे मैं अब आप बोल रहे मैं मैं सिर्फ पांच एक गाड़ी रे ये तुम तो भी जाओ सेंडर फ्रूट जो चीज चाहो ये मुख लिया बाद में बाटा बने मांगे तो अगले ये 20 रुपए से हां मेरे को भी दिलाना कुछ हां 5 रुपए दे यार अच्छा ठीक है अगले हम तब भी दिलाने कुछ ये फिर भी ये पौधे दे यार बहुत दूर ले क्या मेरे को नहीं रोन तो चलो बता ना हम ये खेल ले लेते हम आज ये खाना लॉलीपॉप चाहिए क्या लॉलीपॉप नहीं थोड़ा आधा टुकड़ी दे 20 रुपए से ले भी नहीं सकता ये माँ ये बहुत अंतिम छेंचे क्या पैसा छेंचे तब तू ले दे सामान क्या बताऊं मैं इसको ये ना ये कहीं भी जाती है मेरे भरोसे जाती है मेरे खाने हाँ यार यही खाने आए थे रोज आते हम शाम को तो मुझे अंजलि को देख के अफसोस हो रहा है कहीं भी जाती है ना कहीं भी किसी भी दुकान में चीजें ले लेती है एक दो चले जाती है तब बोलते पैसे अरे पैसे ये दे रही है ना कहीं भी कुछ भी चाहे वो कोई बहुत बड़ा शोरूम है चाहे वो कुछ भी है ये सीधे लेती है भाई छोड़ दो यह बार हम ना यह बार हम यहाँ शोरूम में गए एक बार हम शोरूम में गए अंजलि ने दो तीन ड्रेस उठा दी ठीक है टैग नहीं देख रही कितने के 3600 ठीक है बीवा आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छा ब्रांड है तो वहाँ के शोरूम में हम गए हमने सोचा कोई अच्छे फंक्शन पे एक ड्रेस देख लेंगे अगर ठीक ठाक रेंज में होगी इसने दो तीन ड्रेस उठा दी वहाँ के 4000-5000 मैं बता नहीं सकती इसको गाइस बता दो बिनी दीदी इस लहंगे का इस कलर का लहंगा लेना चाहती है मुझे आप लोग बताओगे हाँ बताओ इसको आधा चौड़ का कुछ नहीं होगा और तू दी वाली मैंने इनको पहले मैंने इनको बोल दिया था कि अभी अभी दुकान में मांग लो रस्ते में मिर्चा मांगना मांग रहे हैं बांटा कर लिया दो टुकड़े कर लो दो टुकड़े बांटा कर लो